और आप लोगों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ इस वीडियो को आरंभ करता हूं। मैं आज आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो, तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। साथ ही साथ इस चैनल पे नए हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और यदि आप इसी वीडियो को हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक निश्चित कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए लाए हैं कुछ ऐसे इंग्लिश वर्ड जिसका उपयोग हम लोग दैनिक जीवन में बहुत अधिक करते हैं लेकिन उसका हिंदी हमें मालूम नहीं होता। तो आज हम लोग उसी तरह के कुछ इंग्लिश वर्ड के हिंदी को जानने का कोशिश करेंगे, तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखिएगा क्योंकि ये वीडियो आज बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। और अब मैं आप लोगों के लिए इस चैनल पर इसी तरह का वीडियो लेकर के आता रहूँगा, क्योंकि यदि किसी वीडियो में कोई इन्फॉर्मेशन ना हो, केवल हंसी मजाक के लिए अगर वीडियो बनाई जाए तो उस वीडियो का कोई उद्देश्य नहीं होता है। इसलिए मैं सोचा कि इस साल से मैं अब इस चैनल पर आप लोगों के लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर के आता रहूँगा, और मुझे उम्मीद है कि आप लोग उस तरह के वीडियो को देखेंगे। तो फ्रेंड्स, मैं आज आप लोगों के लिए ऐसे अंग्रेजी वर्ड का हिंदी लेकर के आप लोगों के बीच आया हूँ जिसका उपयोग दैनिक जीवन में हम लोग बहुत अधिक करते हैं लेकिन उसका हिंदी नहीं जानते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग आज जानने का कोशिश करेंगे उस उपयोग किए गए शब्द का हिंदी। तो इसी क्रम में सबसे पहला है, कैलेंडर को हिंदी में क्या कहा जाता है? तो कैलेंडर को हिंदी में कहा जाता है दिन दर्शिका या तिथि पत्रक। दूसरा है, बैंक को हिंदी में क्या कहा जाता है? बैंक को हिंदी में अधिकोष कहा जाता है। तीसरा है, एम्बुलेंस को हिंदी में क्या कहा जाता है? तो एम्बुलेंस को हिंदी में रोगी वाहनी कहा जाता है। चौथा है, पुलिस को हिंदी में क्या कहा जाता है? पुलिस को हिंदी में राजकीय जन रक्षक कहा जाता है। पांचवा है, ट्रेन को हिंदी में क्या कहा जाता है? ट्रेन को हम लोग हिंदी में लोह पथ गामिनी कहते हैं। छठवां है, रेलवे स्टेशन को हिंदी में क्या कहा जाता है? तो रेलवे स्टेशन को हम लोग हिंदी में लोह पथ गामिनी विराम बिंदु कहते हैं। इसी क्रम में सातवां है, फ्रिज को हिंदी में क्या कहा जाता है? तो फ्रिज को हिंदी में हम लोग प्रशीतक कहते हैं। और अब देखते हैं आठवां, सिगरेट को हिंदी में क्या कहा जाता है? सिगरेट को हिंदी में धूम्रपान दंडिका कहा जाता है। नौवां है, कैलकुलेटर को हिंदी में क्या कहा जाता है? कैलकुलेटर को हिंदी में परिकलन यंत्र या गणक कहा जाता है। दसवां है, कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहते हैं? कंप्यूटर को हिंदी में संगणक कहा जाता है, जिसे आप लोग भी शायद जानते होंगे। ग्यारहवां है, पासवर्ड को हिंदी में क्या कहा जाता है? पासवर्ड को हिंदी में कूट शब्द कहा जाता है। बारहवां है, पेंसिल को हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं? पेंसिल को हिंदी में हम लोग अंकनी, तुलिका, कुंची और शैली कहते हैं। तेरहवां है, बटन को हिंदी में क्या कहते हैं? बटन को हिंदी में अस्त व्यस्त नियंत्रक यंत्र कहा जाता है। चौदहवां है, टेलीफोन को हिंदी में क्या कहते हैं? टेलीफोन को हिंदी में हम लोग दूरभाष यंत्र कहते हैं। पंद्रहवां है, मोबाइल फोन को हिंदी में क्या कहते हैं? तो मोबाइल को हम लोग हिंदी में स्वचालित दूरभाष यंत्र कहते हैं। सोलहवां है,
टेलीविज़न को हिंदी में क्या कहा जाता है? तो टेलीविज़न को हिंदी में दूरदर्शन कहा जाता है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में अभी तक मैं आप लोगों को जितने भी वर्ड का हिंदी बताया हूँ, तो उस वर्ड का उपयोग दैनिक जीवन में बहुत अधिक होता है और उसका उपयोग हम लोग बहुत अधिक करते हैं, लेकिन उसका हिंदी नहीं जानते हैं। तो मैं आज इस वीडियो में यही जानकारी आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ। आप लोग इस वीडियो में आगे बने रहिएगा। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए देखते हैं अगला कि लाउड स्पीकर को हिंदी में क्या कहा जाता है। लाउड स्पीकर को हिंदी में ध्वनि विस्तारक यंत्र कहा जाता है। 18वां है, टेप रिकॉर्डर को हिंदी में क्या कहते हैं। टेप रिकॉर्डर को हिंदी में आवाज़ संचित करने का यंत्र कहा जाता है। 19वां है, रिक्शा को हिंदी में क्या कहा जाता है। तो रिक्शा को हिंदी में त्रिचक्र वाहन कहा जाता है। 20वां है, साइकिल को हिंदी में क्या कहते हैं। साइकिल को हिंदी में द्विचक्र वाहनी कहा जाता है। और आप लोग खुद जानते हैं कि दुनिया का सबसे सस्ता वाहन साइकिल ही है। इसके अलावा अब हम लोग देखेंगे 21वां, जो आजकल बहुत ही फेमस है इंडिया में, और वो है हेलमेट। हेलमेट को हिंदी में क्या कहा जाता है। हेलमेट को हिंदी में हम लोग सिर स्त्राण यानी तो लोहे की टोप कहा जाता है कहते हैं। हेलमेट के बाद है लैपटॉप, और लैपटॉप को हिंदी में हम लोग कहते हैं छोटा गणक। इसी क्रम में आगे है, चाय को हिंदी में क्या कहा जाता है, जिसका उपयोग हम लोग दिन में सुबह सुबह डेली करते हैं, तो उसका हिंदी क्या होता है। तो चाय का हिंदी होता है दुग्ध जल मिश्रित शर्करा युक्त पर्वतीय बूटी। आप खुद सोच सकते हैं, अगर इतना बड़ा नाम यदि हम लोग सुबह में प्रत्येक दिन उच्चारण करेंगे तो कितनी परेशानी होगी। लेकिन हिंदी हमारी भाषा है, हमें अपनी भाषा का सम्मान करना चाहिए, उपयोग करना चाहिए। मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। इसी क्रम में सेकेंड लास्ट है, फिल्म यानी कि सिनेमा को हिंदी में क्या कहा जाता है। तो फिल्म यानी कि सिनेमा को हिंदी में चलचित्र कहा जाता है। आज के इस वीडियो में अंतिम पॉइंट है, रोटी को हिंदी में क्या कहा जाता है। तो रोटी को हिंदी में हम लोग चपाती कहते हैं। फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। तो चलते चलते आप इस वीडियो को लाइक निश्चित कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और यदि आप इसी वीडियो को हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे थे तो हमारे पेज को लाइक निश्चित कीजिएगा, और यदि आप इसी वीडियो को हमारे यूट्यूब चैनल पर देख रहे थे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब निश्चित कीजिएगा, और साथ ही साथ इसी जानकारी को यदि आप हमारे वेबसाइट पे पढ़ना चाहते हैं तो उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। आप उस लिंक पर क्लिक करके सीधे इस जानकारी पर पहुंच सकते हैं और पढ़ सकते हैं इस जानकारी को। यदि आपको मेरा ये काम पसंद आता है तो आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं कंट्रीब्यूट करके patreon.com/ratandeep पर, और उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। चलिए फ्रेंड्स, मैं इसी तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियो इस साल आप लोगों के लिए लाता रहूँगा। मिलेंगे किसी दूसरे इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक आप लोग खुश रहिए, मस्त रहिए, और अंत में आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।